सुषमा जो आधी गधी बन चुकी थी बड़ी जोर जोर से आवाज कर रही थी। सुषमा की सास रेखा देवी सुषमा की आवाज सुन जल्दी से घर से बाहर निकल आती है। अरे बहू क्या हो गया, इतनी जोर जोर से आवाज क्यों कर रही है, कोई दिक्कत हो रही है क्या? भैचू भैचू। अरे अभी से क्या हुआ, गधे की भाषा में बोल रही है, कैसे समझ में आएगा कि क्या हुआ? अरे कहीं बहू प्रेग्नेंट थी, कहीं बच्चा तो नहीं होने वाला है। सुषमा बड़ी जोर जोर से आवाज करती है और उछल कूद मचाती है। अरे बहू को बच्चा होने वाला है शायद, अब मैं कैसे बच्चा पैदा करूं, गधी का इंसान का तो पता है। एक काम करती हूँ, बेटा को बुलाती हूँ। अरे बेटा पंकज, बेटा पंकज जल्दी आ बेटा, देख बहू कैसे कर रही है, इसे बच्चा होने वाला है शायद। रेखा देवी की आवाज सुन पंकज बाहर कहीं था तुरंत दौड़ कर आ जाता है। हाँ माँ, हाँ क्या हो गया? अरे बेटा पंकज देखना, बहू को बच्चा होने वाला है, शायद लेबर पेन उठा है, काफी दर्द में है, इसीलिए तो छटपट कर रही है और काफी आवाज भी कर रही है, कुछ करना बेटा। अरे माँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कभी बच्चा पैदा थोड़ा ना किया हूँ। अरे छोड़ छोड़ तुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं ही देखती हूँ। एक काम कर, वो टोकरी देख घास की, वो घास की टोकरी बहू के मुँह के पास लेके जा, हो सकता है थोड़ा सा खाने के बाद थोड़ा सा दर्द भी कम हो जाए। पंकज सामने रखे टोकरी में घास थी, वो टोकरी सुषमा के मुंह के पास लेके जाता है। अरे सुषमा ये लो घास खा लो, इससे हो सकता है तुम्हारी दर्द थोड़ी सी कम हो जाए और जल्दी से बच्चा दे दो। डैचू डैचू डैचू। अरे बहू थोड़ा सा जोर लगा, बहू जोर लगा, देख अभी बच्चा बाहर आ जाएगा। डैचू डैचू डैचू। सुषमा को काफी तकलीफ हो रही थी लेकिन तब भी जोर लगा रही थी, बच्चा धीरे धीरे बाहर आता है, इससे उसकी सास रेखा देवी काफी खुश होती है। अरे बहू बच्चा बाहर आ रहा है, बहू बच्चा बाहर आ रहा है, थोड़ा सा और जोर लगा बहू, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। भैचू 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 भैचू। अंत तक पूरा बच्चा बाहर आ जाता है, बच्चे को गोदी लेकर उसकी सास काफी खुश होती है। अरे बहू हो गया, बच्चा बाहर आ गया, लड़का हुआ है। अरे बेटा पंकज देख बच्चा लड़का हुआ है। पंकज भी लड़का को देखकर काफी खुश होता है लेकिन दूसरी तरफ अफसोस भी, क्योंकि उसकी बीबी आदि गधी जो हो चुकी थी। अरे बेटा अब इसे दूध कौन पिलाएगा, ये गधी या आखिर रेखा देवी की बहू आधी गधी कैसे बन जाती है, आखिर ऐसा क्या होता है, जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। पंकज और सुषमा एक दूसरे से प्यार करते थे। पंकज एक रोज मंदिर में जाकर सुषमा से शादी कर लेते हैं। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब आप लोग नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी कीजिए। पंकज सुषमा से शादी करने के बाद उसे अपने घर ले आता है। माँ 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 जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। पंकज की माँ रेखा देवी पंकज का आवाज सुन जल्दी से घर से बाहर आती है। अरे पंकज बेटा आया, अरे मेरे लिए क्या लेके आया, देखो तो जरा। अरे पंकज बेटा तू लेकिन ये लड़की कौन और तुम लोग दोनों गले में माला डाले कहीं? अरे हाँ माँ तुम सही सोच रही हो, ये सुषमा है तुम्हारी बहू, आज से हम दोनों मिलकर मंदिर में शादी करके ही सीधा घर आए हैं। अरे बेटा शादी करके आ गया, बहू के घर में किसी को नहीं बताया, फिर वो लोग चिंता कर रहे होंगे ना। अरे नहीं माँ सुषमा का कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ मैं ही हूँ। अरे ची 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 ऐसी बातें नहीं करते। अरे बहू सुषमा आज से मैं तेरी माँ हूँ, चल बेटी घर के अंदर चल, बाहर कितने देर रुके रहेगी, चल चल। फिर रेखा देवी पंकज और सुषमा को घर के अंदर लेके जाते हैं। दूसरी सुबह रेखा देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी पंकज आता है। अरे माँ मैं खेत जा रहा हूँ। अरे पंकज आप खेत जा रहे, चाय तो पीते जाइए। अरे नहीं नहीं सुषमा तुम माँ के साथ बैठकर चाय पियो, खेत में कल रात पानी हुई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा फसल कहीं खराब ना हो जाए। ये कहते हुए पंकज खेत की ओर चला जाता है। अरे बहू आओ आओ यहाँ बैठो, हम दोनों मिलकर चाय पीते हैं और साथ में खूब सारी बातें भी करनी है ना। फिर सुषमा जाकर अपने सास के बगल में बैठ जाती है और दोनों चाय की चुस्कियों के साथ खूब सारी बातें भी करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज सुषमा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो काफी परेशान हो जाती है, वो कमरे में बैठकर यही सब सोच रही होती है तभी पंकज आता है। सुषमा को परेशान देख उससे पूछता है, अरे सुषमा क्या हो गया, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो। अरे पंकज परेशानी की वजह ही तो है,
मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे ये तो खुशखबरी है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे नहीं पंकज, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती हूँ, इससे मेरा फिगर खराब हो जाएगा। कुछ सालों बाद बच्चा लेना है मुझे, अभी नहीं। अरे सुषमा, ये तो भगवान की देन है, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अब आ गया तो आ गया। नहीं नहीं पंकज, तुम्हारे आ गया बोलने से नहीं चलेगा, मैं ये बच्चा नहीं ले सकती, मैं कल ही जाके अपोशन करवा लूंगी। अरे सुषमा ये क्या कह रही हो, माँ सुनेगी तो क्या कहेगी, गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी कि उसकी बहू ऐसे करती है। जिसको जो कहना है कहने दो, मैं ये बच्चा नहीं रखने वाली हूँ। जब तुम मेरा एक भी बात मानने को तैयारी नहीं हो तो जो मन में आए सो करो। ये कहते हुए पंकज वहाँ से चला जाता है। और इधर सुषमा, अरे पंकज तुम तो दो दिन बाद मान जाओगे, लेकिन ये बच्चा अगर आ गया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, कल ही जाके मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। दूसरी सुबह रेखा देवी बाहर खटिया पर बैठी हुई थी, तभी सुषमा घर से बाहर जा रही थी हॉस्पिटल के लिए। रेखा देवी अपनी बहू को बाहर जाते देख पूछती, अरे बहू कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अरे माँ जी वो डॉक्टर के पास जा रही थी, थोड़ी सी तबीयत खराब है ना इसीलिए। अरे बहू तेरी तबीयत खराब है तो मैं भी चलूँ क्या तेरे साथ? अरे नहीं नहीं माँ जी मैं चली जाऊंगी, आप चिंता ना करें। ये कहते हुए सुषमा हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ती है। और इधर सास रेखा देवी, अरे शायद बहू प्रेग्नेंट है इसीलिए तो डॉक्टर के पास जा रही है दिखाने के लिए, जल्दी मुझे पोता पोती मिलेगा। सुषमा एबॉर्शन के लिए गांव के रास्ते हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद सुषमा थक जाती है और रुकती है। अरे मैं तो थक गई, कितनी दूर है ये हॉस्पिटल? तभी सुषमा की नज़र एक पेड़ पर जाती है जिस पेड़ पर आम के फल लगे हुए थे। सुषमा ये देखकर लालच में आ जाती है। अरे आम के फल, वो भी पके पके, ये देख के तो मन मुग्ध हो गया, क्यों ना एक दो आम यहीं पर खाया जाए फिर चलते हैं आगे, थक भी गई हूँ भूख भी लगी है। फिर सुषमा आम तोड़ने का सोचती है, तभी इधर उधर नजर दौड़ाती है, उसके सामने कुछ पत्थर पड़े हुए थे, वो पत्थर उठाती है और उस पेड़ पर दे मारती है आम तोड़ने के लिए। एक दो पत्थर इधर उधर से पास हो जाते हैं, आम नहीं टूटता है। अरे मेरा निशाना कैसे चूक जा रहा है, इस बार तो पक्का लगेगा। फिर सुषमा एक पत्थर उठाती है और मारती है। उसी पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे थे, वो पत्थर जाकर उस साधु बाबा के सर पर लगती है। उस साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है और साधु बाबा काफी गुस्से में आ जाते हैं। अरे कौन है दुष्ट जो मेरी तपस्या भंग की, कौन है सामने आओ। तभी सुषमा सामने आती है और कहती है, अरे ओ साधु बाबा मैं ही थी जो पत्थर मारी, वो आम तो रही थी लेकिन आप बीच में आ गए इसलिए आपका सर फूट गया। अरे दुष्ट लड़की तुझे इतना बड़ा साधु दिखाई नहीं देता, तू आम तोड़ने लगी दूसरे जगह भी तोड़ सकती थी, मेरी वर्षों की तपस्या तूने चंद मिनटों में भंग कर दिया, गधे की तरह बुद्धि वाली लड़की। अरे ओ साधु बाबा ज्यादा ढोंग मत मचाओ, अगर तुमको तपस्या करना तो हिमालय में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो ढोंग मचा कर, ये कोई तपस्या नहीं कर रहे हो, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, मुझे आम तोड़ना है। अरे दुष्ट लड़की एक तो गलती करती है और अपनी गलती पर पश्चाताप भी नहीं है। गलती कौन सा गलती, तुम्हारा सर बीच में आया, मेरा क्या दोष इसमें? दुष्ट लड़की तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे साधु उठने के लायक नहीं और मुझे सबक सिखाओगे, अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे को गिराने जा रही हूँ, वरना तुझे भी दिखा देती मैं। अरे गधे जैसी बुद्धि लड़की तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, ऊपर से इतना घमंड है तुझे अपने आप पर, जा ये साधु तुझे श्राप देता है कि तू जिस प्रकार गधे बुद्धि की तरह मेरी तपस्या भंग की उसी प्रकार तू गधी बन जाएगी, और जब तक ये बच्चा तेरा जन्म नहीं ले लेता तब तक तू फिर से इंसान नहीं बन पाएगी, ये इस साधु का श्राप है। अरे ओ साधु बाबा इस जमाने में कोई श्राप राप काम नहीं करता, ये बेकार का ढोंग बंद कर और जाओ यहाँ से, है मैं भी कहाँ फंस गई, चलती हूँ। तभी सुषमा वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से उसके शरीर में कुछ हलचल होने लगती है और देखते ही देखते सुषमा एक गधी में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन सुषमा का शरीर तो गधी का बन जाता है लेकिन उसका सर इंसान का ही रह जाता है। अरे ये क्या हो गया, ये मैं गधी कैसे बन गई? साधु बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे वापस से इंसान बना दो साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है,
अब तो ये बच्चा जन्म लेने के बाद ही तू वापस इंसान बन पाएगी। तभी वहीं पर एक गधा घास चर रहा था। वो गधा सुषमा को देखकर उसके पास आने लगता है। ढेंचू ढेंचू ढेंचू, अरे ये गधा मेरे पीछे पड़ गया, भागो भागो। मैं फिर सुषमा अपने घर की ओर भागती है। सुषमा अपने घर आती है। ढेंचू ढेंचू ढेंचू, अरे कौन गधा घर घुस आया है, अरे भगाती हूँ, अरे भाग, हट हट भाग। रेखा देवी उस गधे को भगाने के लिए जैसे उसके नजदीक जाती है, वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो गधा तो शरीर गधा का था, लेकिन सर उसके बहू का था। आगे मैया गे, बहू बन गई गधा, अरे ये कैसे हो गया, अरे पंकज बेटा पंकज बेटा जल्दी आ, देख बहू गधी बन गई। माँ की आवाज सुन पंकज दौड़े दौड़े वहाँ आता है। आकर वो भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी आधी गधी बन चुकी थी। अरे सुषमा सुषमा, ये क्या हो गया, तुम्हारा सर तो दिख रहा है लेकिन शरीर कहाँ गया, वो गधी कहाँ कैसे हो गया। ढेंचू ढेंचू ढेंचू, अरे बेटा बहू गधी बन गई, अब गधी के भाषा में ही बोल रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करना है इस गधी का। अरे माँ क्या करना है, अब घर में बांध के रखो, और क्या कर सकते हैं हम, क्या पता कौन से कर्मों की सजा भुग कर आई है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। सुषमा घर से बाहर एक पेड़ से बंधी रहती है। ढेंचू ढेंचू ढेंचू, अरे बेटा पंकज देखना बहू को भूख लगी होगी, वहाँ टोकरी रखी है घास से भरी हुई, वो टोकरी जाके बहू को दे दे, वो घास खाएगी। फिर पंकज जाकर घास से भरी हुई टोकरी को सुषमा के पास लेके जाता है। अरे सुषमा ये लो घास खा लो, अब न जाने तुम्हारी जिंदगी फिर से नॉर्मल कब होगी, कब तुम फिर से इंसान बन पाओगे, जब तक गधी हो तब तक घास खा के दिन घर बिताओ। वर्तमान समय बच्चे का जन्म हो चुका था। अरे बच्चा तो हो गया लेकिन मेरी बहू तो गधी बन गई है, अब इसे दूध कौन पिलाएगा, ये गधी। हे साधु बाबा, अब तो बच्चा भी पैदा हो गया, अब तो मेरा श्राप दूर कर दो, मुझे इस गधी की जिंदगी से मुक्त कर दो अपने श्राप से, और वापस से इंसान बना दो। फिर कुछ ही समय में वो साधु बाबा का श्राप हट जाता है और सुषमा गधी से वापस से इंसान बन जाती है। अरे माँ माँ देखो सुषमा। अरे हाँ बेटा पता है, अब कितना देखो इस गधी को, देखने का मन नहीं करता है। अरे माँ देखो वो इंसान बन गई वापस से। रेखा देवी और पंकज सुषमा को इंसानी रूप में देखकर काफी खुश होते हैं। अरे सुषमा तुम गधी कैसे बन गई थी, क्या हुआ था, ऐसा क्या कर दी थी तुम। फिर सुषमा अपनी सास और पति को सारी कहानी बताती है जो उसके साथ व्यतीत हुआ था। अरे पंकज माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, आज मुझे उसका बहुत पश्चाताप है, आइंदे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर देना। सुषमा को अपनी गलती का पश्चाताप होता है, वो वापस से इंसान रूप में आ जाती है। वो जिस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी वो इस दुनिया में आ जाता है, इसीलिए कहते हैं जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। अब अपने परिवार के साथ सुषमा खुशी खुशी रहने लगती है। ये लो बहू चाय पियो। अरे माँ जी आपने क्यों तकलीफ की, मैं ही आ जाती। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, इसीलिए तुम ज्यादा उठ बैठ मत किया करो, तुम बैठो मैं अपना चाय लेके आती हूँ। शोभा की सास चाय लेने के लिए किचन की ओर जाती है, तभी अचानक से कप टूटने की आवाज आती है और आह माँ जी मेरा पेट दुख रहा है, बड़े जोर की दुख रहा है माँ जी। अरे अरे लगता है समय हो गया डिलीवरी का, अरे अब मैं क्या करूँ, बेटे को बुलाती हूँ। अरे बेटा ललित, ललित बेटा, बेटा ललित जल्दी आ, देख बहू को तकलीफ हो रही है, जल्दी आ बेटा। ललित दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचता है। अरे माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ। अरे बेटा ललित मुझे लग रहा है इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जल्दी लेके जाए इसे हॉस्पिटल बेटा। आह माँ, आह मम्मी। हाँ हाँ माँ अभी लेके जाता हूँ इसे, चलो शोभा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे बेटा थोड़ा ध्यान से लेके जाना। हाँ हाँ माँ तुम चिंता मत करो, मैं सही से लेके चला जाऊंगा। अरे शोभा धीरे धीरे चलो, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से चलो।
ललित शोभा को हॉस्पिटल की ओर लेके जाता है गाड़ी से। हॉस्पिटल काफी दूर था इसके घर से, इसीलिए उसे गाड़ी से जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाने के लिए काफी दूरी तय करना पड़ता है। जंगल से होकर रास्ता है। ललित और उसकी बीबी शोभा दोनों गाड़ी से हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। शोभा को बीच बीच में दर्द उठ रहा था। वो ललित से कहती है, ललित थोड़ा जल्दी चलो ना, मुझे तकलीफ हो रही है ललित। हाँ हाँ शोभा, मैं जा रहा हूँ और तेजी से चलाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो शोभा। ललित गाड़ी को और तेजी कर लेता है जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। ललित जंगल की रास्ते को जल्दी से पार करना चाहता था कि अचानक से उसकी गाड़ी आकर रुक जाती है। अरे ललित क्या हो गया, तुमने गाड़ी क्यों रोक दिया अचानक से यहाँ, जल्दी चलो ना प्लीज। अरे शोभा मैंने गाड़ी नहीं रोकी, अपने आप रुक गई, लगता है कुछ दिक्कत हो गई गाड़ी में, मैं अभी निकल के देखता हूँ, तुम बैठे रहो। ललित थोड़ा जल्दी करना, मैं और सब्र नहीं कर सकती। ललित गाड़ी से नीचे उतरता है और चेक करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आती कि गाड़ी में क्या खराबी हुई है। वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, इस जंगल में वो फंस चुका था, अब वो कहाँ से जाएगा। ये रास्ता काफी सुनसान है और काफी कम ही गाड़ियाँ इस रास्ते से गुजरती है। ललित इधर उधर देखता है लेकिन कोई भी गाड़ी अभी नहीं गुजर रही थी। ललित क्या हुआ ललित, ललित ललित को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे शोभा अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो गाड़ी से उतरो, चलो थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ, कोई अगर गाड़ी या कोई मदद मिल जाए तो। शोभा गाड़ी से उतरती है, ललित और शोभा धीरे धीरे आगे बढ़ता है मदद के लिए। ललित और शोभा दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आता है। अरे ललित और कितने दूर, मुझसे चला नहीं जा रहा ललित। बस शोभा बस यहीं तक चलो, थोड़ा सा आगे और नहीं। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो दोनों चलते चलते एक जगह आकर रुकते हैं। ललित कहता है शोभा, अरे शोभा ये देखो किसी का घर है, हो सकता है हमें यहाँ मदद मिल जाए। लेकिन ललित इस जंगल में किसका घर है कुछ नहीं पता, यहाँ कैसे मदद मिलेगी, कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे शोभा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, गाड़ी खराब हो गई है, हम लोग जंगल में फंस चुके हैं, चलो देखते हैं अगर यहाँ कोई मदद मिल जाए तो। ललित और शोभा दोनों उस घर के नजदीक जाते हैं। अरे भाई कोई है, अरे भाई कोई है इस घर में, कोई है। ललित की आवाज सुनकर उधर से एक आदमी आता है जो कि काफी हट्टा खट्टा था और अजीब वस्त्र पहने हुए था। ललित के पास आता है और कहता है, अरे जी भाई साहब क्या हुआ यहाँ कैसे। अरे भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, कहाँ जाऊँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपसे कुछ मदद हो तो बहुत ही मेहरबानी होगी। हुई हुई अभी करता हूँ मदद, आ जाओ अंदर अंदर घर। वो आदमी ललित और शोभा को अपने घर के अंदर बुलाकर लेके जाता है। ललित और शोभा को वो आदमी अपने घर के अंदर लेके आता है और कहता है, यहाँ यहाँ बैठो बैठो बैठो, तुम यहाँ यहाँ बैठो, मैं आता। वो आदमी ललित और शोभा को यहाँ बैठने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। शोभा को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, वो ललित से कहती है, अरे ललित ये हम कहाँ आ गए, जान ना पहचान किसके घर आ गए, याद भी दिखने में भी कैसा है, कबीले जैसा, मुझे काफी डर लग रहा है। अरे शोभा डरो मत, मैं हूँ ना और ये आदमी भला आदमी लगता है, ये हमारी मदद जरूर करेगा और हमारे पास और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। शोभा और ललित दोनों वहाँ बैठे रहते हैं, तभी वो आदमी अपनी पत्नी को लेकर आता है यहाँ। अरे ये देखो कैसी कैसी। वो औरत शोभा के नजदीक जाती है। अरे बेटी चिंता मत करो चिंता मत करो, मैं आ गई, सब ठीक कर दूंगी सब ठीक कर दूंगी। मुझे काफी तकलीफ हो रही है। थोड़ा सा तकलीफ तो होगा होगा, अभी ठीक हो जाएगा। ए जी जा बुला के लेके आओ। ललित को सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि किसे बुलाने की बात कर रहे हैं। अरे माँ जी बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं, ये किसे बुलाने की बात कर रहे हैं आप। अरे बेटा बेटा वो आएगा वही करेगा डिलीवरी, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा सबका करता है वो। ओ ठीक है थोड़ा जल्दी। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय बीता था
कि वो आदमी एक बंदर को लेके आता है। बंदर को देखकर ललित और शोभा डर जाते हैं। अरे हट 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 बंदर, कहाँ से आ गया ये बंदर, भगाइए भगाइए। अरे बेटा बेटा मत भगा, यही करेगा करेगा डिलीवरी। क्या आप लोग पागल हो गए हैं क्या, एक बंदर करेगा डिलीवरी? दिमाग उमाग है आप लोगों का? इंसान का डिलीवरी कोई बंदर करता है कभी? ललित गुस्सा होकर उस औरत से कहता है, अरे अरे बेटा बेटा देखो, अगर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है तो चले जाओ, वरना चुपचाप यहाँ रहो, यही करेगा करेगा डिलीवरी। करवाना है तो करो वरना जाओ। अरे शोभा चलो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो तुम्हारी जान मार देगा ये लोग। ललित मैं जाने के लायक नहीं हूँ और ऐसे ही मर जाऊंगी मैं दर्द से। अरे बेटा ये जाएगी तो ऐसे ही मर जाएगी, अब तुम ही सोच लो क्या करना है। ललित कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है आप लोगों को जो अच्छा लगे कीजिए, बस मेरी बीबी को कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, मैं बाहर रुकता हूँ। ललित वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है। अरे बेटी एक काम कर, तू यहाँ सो जा बेटी। अरे माँ जी ये बंदर कुछ करेगा तो नहीं ना, काटेगा नहीं ना? अरे नहीं नहीं बेटी, ये बहुत समझदार बंदर है, ये कुछ नहीं करेगा, इंसानों की भाषा समझता है और अच्छे से डिलीवरी करेगा, तू सो जा बेटी। अरे बंदर जा जा, चादर चादर ला ला। शोभा उस खटिया पर सो जाती है और वो बंदर वहाँ से चला जाता है और एक चादर लाकर शोभा को ओढ़ देता है। माँ जी बहुत तकलीफ हो रही है माँ जी। हाँ माँ जी। अरे बेटी हो जाए हो जाएगा, अरे बंदर बंदर कर 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 कुछ कर। बंदर अपने में अजीब अजीब आवाज कर रहा था और शोभा की डिलीवरी में मदद कर रहा था। आह माँ जी बहुत तकलीफ हो रही है माँ जी। बस बस उठ गया बेटी, हो गया और थोड़ा सा और थोड़ा सा। बंदर डिलीवरी करने के लिए उसकी हेल्प कर रहा था, इधर उधर उछल कूद करके बहुत कोशिश कर रहा था। हो गया बेटी हो गया, लड़का हुआ लड़का। बंदर उस लड़के को निकालता है और उसकी माँ शोभा के पास लेके जाता है, कहता है। शोभा बंदर की बात तो समझ नहीं पाती है लेकिन उसका फीलिंग समझती है कि बंदर काफी खुश था। शोभा बंदर को धन्यवाद करती है। ए बंदर मैं तो नहीं जानती तू कौन है, कहाँ से आया, आज तूने मेरी जान बचा ली और मेरी मदद की और मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मंद रहूंगी। बंदर ऐसी आवाज करते करते वहाँ से चला जाता है। तभी ललित वहाँ पर पहुँचता है। अरे शोभा शोभा तुम ठीक हो ना? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, वो बंदर मेरी बहुत मदद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। वो औरत वहाँ से चली जाती है। ललित शोभा के नजदीक पहुँचता है, उस बच्चे की ओर देखता है। अरे कितना प्यारा बच्चा है हमारा। अरे बंदर बेकार में मैं तुझ पर गुस्सा कर रहा था, तू बहुत अच्छा है, धन्यवाद बंदर। शोभा और ललित को एक प्यारा सा बच्चा मिल जाता है, इस बंदर ने शोभा की डिलीवरी करवाई। शोभा और ललित इस बच्चे को पाकर काफी खुश हो जाते हैं। ललित और शोभा उस बच्चे के साथ घर पहुंच जाते हैं। ललित की माँ काफी खुश होती है उस बच्चे से, अपना पोता पाने से। ललित अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताता है। अरे भला हो उस बंदर का, आज तो जमाने में इंसान किसी की मदद नहीं करता और वो बंदर आके इतनी मदद की हमारी, हमारे पोते की। जय हो बंदर, तुम हमेशा खुश रहना। जाको राखे साइया, मार सके न कोई।